सरकार ये तय कर ले कि विपक्ष क्या भूमिका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चुने हुए सांसद अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं कि देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में आके बयान दे तो बयान, कमेटी बना दी है लोकसभा अध्यक्ष ने, मणिपुर की घटना पे माननीय प्रधानमंत्री जी बयान नहीं देंगे, मतलब आप एकदम लोकतंत्र की हत्या करके, एक राजा की इच्छा ही कानून, राजा की इच्छा ही कानून, राजा जो कहे वही सब सच है, उसमें किसी साक्षी और गवाही की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा कि भारत कैसे आप माने लोकतंत्र खत्म है, जिस देश में आरबीआई के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़े, चीफ जस्टिस के को आप चीफ जस्टिस को अपनी बात रखने के लिए आपका सहारा लेना पड़े, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। अभी एक देसी कहावत है, सुपुआ बोले बोले चलनिया बोले जिकरे 72 छेद। 10 साल से आप 28 दलों की सरकार चला रहे हैं, आप उधर बात नहीं करेंगे, अब 26 दलों की अगर बैठक होती तो आप कहते हैं 26 दल इंडिया। अरे कोई ये भी तो कहेंगे 28 दल एनडीए। इस बात को भी तो आपको रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए अगर लोकतंत्र को आप खत्म करने पर आमादा है तो खत्म कर दीजिए। विपक्ष का काम है, विपक्ष जो सवाल करता है उसका आपको जवाब देना चाहिए, ना कि आपको निलंबन कर देना चाहिए। आप सही चीज है, सही चीज पार्लियामेंट में रखिए, संसद में चूक कैसे हुई। देश के लोकतंत्र में का मंदिर है संसद भवन, और उस संसद भवन में यदि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, दो लोग जो है जो बेरोजगार बेरोजगार कह करके कूदते हैं और गैस का गोला छोड़ते हैं, तो ये घटना संसद भवन में खासतौर से नहीं होनी चाहिए। चूँकि आज की तारीख में केवल जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद पे केवल चल रही है। एक भी विकास कार्य इनका ऐसा नहीं है कि जो ये बता सकें। सारे नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम लड़के यहाँ पढ़े लिखे लोग, विश्वविद्यालय के लड़के रहते, तैयारी करते थे, आज वो कमरे में हॉस्टलों में चले जाइए, डेलीगेसियों में चले जाइए, कमरे आपको खाली मिलेंगे। सब लड़के अपने अपने घरों को जा रहे हैं, चूँकि नौकरियाँ मिल रही हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, घर वाले भी दबाव बना रहे हैं उनके ऊपर जो है, तो जो है इनको चाहिए कि एक भी विकास का मुद्दा अगर 5 काम ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के विकास के उत्तर प्रदेश में बता दें, इसके अलावा 5 काम, तो हम मान लेंगे इनको।